हर खबर पर आपकी नजर, बेताब समाचार। हमारे साथ मौजूद है पीस पार्टी दिल्ली प्रदेश के महासचिव शमसुद्दीन सैफी साहब। सैफी साहब, दिल्ली में केजरीवाल सरकार क्या सही कार्य कर रही है? देखिए जी, दिल्ली में जो हमारे यहाँ का जो क्या नाम है बाबरपुर विधानसभा में, तो इसके बारे में और तो आपको खुलासा कर दूं कि यहाँ पे जो है कि दिल्ली सरकार जो है कोई ऐसा कोई खास कार्य कर नहीं रही है। इसमें देखने में ये आया है कि पहले जो क्या मैं क्या नाम दिल्ली सरकार ने ये कहा था कि भाई हम लोग जो है किराएदारों को, मजदूरों को कार्ड बना कर देंगे या उन्हें 5-5 हज़ार रुपये उनके खाते में डालेंगे। आज तक कोई ऐसा मजदूर या कोई किराएदार मुझे ऐसा नहीं मिला कि जिसके खाते में 5,000-4,000 रुपये आए हो। कोई पैसा नहीं दिल्ली सरकार दे रही है। जो आपके इलाके से विधायक है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी है और श्रम मंत्रालय भी उनके पास है, मजदूरों का डिपार्टमेंट उसी के पास है, तो क्या यहाँ के मजदूरों को तो लाभ मिला होगा उसको? देखिए जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ के श्रम मंत्री हैं माननीय गोपाल राय जी, किसी मजदूर के लिए एक पैसे का कोई फायदा नहीं हुआ आज तक। कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि किसी का आज तक कार्ड तक तो बनाए नहीं मजदूर श्रम जो श्रमिक हैं मजदूर आदमी होंगे, क्योंकि कार्ड तक नहीं बनाते, जबकि सरकार ने कहा था कि सबके कार्ड बना करके दिए जाएंगे, कोई कार्ड नहीं बना आज तक। जो है जिस तरह से कैंप लगाए थे उन्होंने, कैंप लगाने के बाद में थोड़ी भीड़ लगी थी, फिर आज भी ऑनलाइन लगा दे रहे हैं, जिन लोगों ने ऑनलाइन भरे थे या वैसे भीड़ में लगते फॉर्म भरे थे, क्या उसका कुछ रिजल्ट आया? देखिए, जिन लोगों ने मानो फॉर्म भरे थे और जो भीड़ लगी थी, 2 दिन कैंप लगे, तो 2 दिन कैंप लगने के बाद में आज तक कोई कैंप लगाई नहीं है किसी भी विधानसभा के अंदर, जो मजदूरों में जो उनके कार्ड बन सके, कोई कार्ड नहीं बना आज तक। कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में किसानों का आंदोलन चल रहा है, दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है, और केजरीवाल सरकार एक तरफ तो किसानों का हितैषी होने का दावा कर रही है, दूसरी तरफ इन्होंने जो किसान कानून बनाए गए उनको दिल्ली में लागू कर दिया है, तो ये केजरीवाल सरकार का जो दोहरा चरित्र है, और अब किसानों के बीच आम आदमी पार्टी के नेता जाने शुरू हो गए हैं, आखिर ये क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? देखिए, केजरीवाल सरकार ये 2 मुही सरकार है, 6 महीने इधर चलती है, 6 महीने उधर चलती है। अब कुछ दिन तक ये किसानों की बात कर रही थी, अभी पिछली बार जब मुसलमानों पर कुछ दंगे उनके जो हुए थे उनकी तरफ कुछ नहीं बोले, और जो है क्या नाम है किसानों के बारे में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें मालूम है कि अगर हम किसानों के बारे में अगर बोलेंगे तो हमारे जो है जो हमारा जो वोट बैंक है वो इधर उधर बिखर जाएगा, इसलिए ये बोलने के लिए तैयार नहीं, कुछ कहने सुनने के लिए तैयार नहीं किसानों के बारे में। दिल्ली में जो अभी आपने दंगों की बात की, जो दंगों के जिन लोगों के नुकसान हुए, क्या उनको मुआवजा मिल गया है? उनको जो इंसाफ दिलाने की कार्यवाही है, क्या वो केजरीवाल सरकार कर रही है? देखिए, सरकार जो है एक तरफा काम कर रही है, मैं और इससे ज़्यादा और आपको क्या बताऊँ कि एक सरकार जो है लगातार एक तरफा काम करती चली जा रही है, और इससे ज़्यादा खुल करके मैं बोल नहीं सकता इस पर, क्योंकि सरकार ने जितने भी काम करे हैं वे नज़रअंदाज करते हुए, मुस्लिम समाज को नज़रअंदाज करते हुए काम कर रही है सरकार। जो मुस्लिम समुदाय की मुख्य मांगे क्या हैं और मुस्लिम समुदाय को मतलब जो उनका वाजिब हक है, ये सरकार क्यों नहीं दे रही है, क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, कोरोना काल के चलते हुए जैसा कि मामला ये चला है कि भाई लोग जो है बेरोजगार ज़्यादा हैं, लोगों के लिए दिल्ली सरकार को चाहिए कुछ लोन जैसी व्यवस्था है वे करनी चाहिए, 10-10 हज़ार के, 15-15 हज़ार के, 50-50 हज़ार रुपये के जो लोन है वे तक भी जो है सरकार नहीं दे, अल्पसंख्यक लोगों को जो दिलवा पा रही है, और इससे ज़्यादा और क्या करेगी सरकार? जिस तरह से आम आदमी पार्टी का कहना है कि 50% हेल्थ का खर्च करते हैं, और यहाँ के जो विधायक और मंत्री भी हैं, क्या है कोई बड़ा अस्पताल बना? देखिए, हमारे इस बाबरपुर क्षेत्र के अंदर जो गोपाल राय जी को जो वोट दिए गए थे कि समुदाय भवन मुस्लिम क्षेत्र के अंदर, कोई मुस्लिम समुदाय का है नहीं, अस्पताल की बात बहुत दूर की है, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी आबादी जो है मुसलमानों की ज़्यादा है, कोई आज तक जो है कोई समुदाय भवन आज तक को बनाए नहीं बनाया नहीं, इसी बेस पर इन्हें चुनाव जिताया गया था। ये अस्पताल की जो चर्चा हुई थी, क्या अस्पताल यहाँ मिला? जगह बहुत बड़ी है, लेकिन देगा कौन, बनवाएगा कौन? ये तो सिर्फ वोट लेने के हकदार है, वोट ले लिए उन्होंने, बात खत्म नहीं है, विधायक बन गए, मंत्री बन गए, फंड तो बहुत सारा होगा ना है जी, जो 25% बजट निकालते हैं हेल्थ के लिए, क्या वो यहाँ लगभग नजर आ रहा है? देखिए, यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, बाबरपुर विधानसभा के अंदर तो कुछ नजर आ नहीं रहा है, जिस क्षेत्र के अंदर मैं रहता हूँ उस क्षेत्र के अंदर तो कुछ नहीं, यहाँ तक ये कि सफाई तक की ढंग से नहीं होती है। पार्षद भी तो आम आदमी पार्टी की है आपके? मैं कह रहा हूँ पार्षद को अपनी अपनी गली में कराती है सफाई, दूसरी गलियों को सफाई कराती नहीं, गाड़ी एक दिन आती एक दिन आती नहीं, इस तरह का हालत चल रही है।
केजरीवाल सरकार के मंत्री गोपाल राय जी का तो दावा है कि उन्होंने विधानसभा को चमका दिया है, बहुत सारी सड़कें बनाई हैं, बहुत सारी नई परियोजनाएं लागू की गई हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ अस्पताल भी नहीं बना, वो तो कह रहे हैं बहुत सारी परियोजनाएं लागू हुई है। कोई योजना लागू नहीं, बताया करो योजना लागू हुई है तो बताइए कहाँ कौन सी लोग हैं, कौन कौन सी योजना लागू हुई है। गलियों तक की सफाई तक, सड़कों की सफाई तक होने की, ये नहीं बाहर की सड़क मेन रोड है, बाहर वाली सड़क पर आ रहा कौन सी सफाई हुई है बताओ जरा, एक भी नाले की सफाई नहीं ढंग से। अब ऐसे में आप विपक्ष में हैं, जैसे पीस पार्टी जो है, हालांकि आपकी पार्टी अभी इतनी बड़ी पार्टी नहीं है दिल्ली में बावजूद, लेकिन आप विपक्षी पार्टी हैं, तो विपक्षी पार्टी होने के नाते आप जो सरकार चल रही है कि केजरीवाल सरकार से क्या डिमांड करना चाहेंगे? देखिए केजरीवाल सरकार से हम ये डिमांड करना ये रखना चाहते हैं कि केजरीवाल सरकार जब जनता के बीच में आई थी और केजरीवाल ने जब वोट मांगे थे तो बिजली पानी और सफाई और सड़कों के मुद्दे पर जो कि इन्होंने वोट मांगे थे और जनता ने इन्हें भरपूर वोट दिया था, और जबकि ये सरकार नाकाम रही है जनता की भलाई करने में, जनता ने इन्हें वोट देने के बावजूद भी इन्हें सरकार ने इनको जनता के लिए कोई काम नहीं कर पाई है। जैसा कि मान लीजिए नालों की सफाई है, बेसफाई नहीं हो पाई, बिजली का आप एक मीटर नहीं लगवा सकते। अगर कॉमर्शियल मीटर मान लीजिए घर के अंदर कोई आदमी काम करना चाहे तो कॉमर्शियल मीटर नहीं लगवा, 18,000-20,000 रुपए रिश्वत में जाते हैं, जब जाकर के भी कर्म मीटर लगा के देते हैं। रिश्वत खूब चल रही है, रिश्वत में तो कोई दिक्कत आ रही है नहीं, बिजली विभाग खूब जो रिश्वत मेरी बात याद आती है कि अभी जब लॉकडाउन हुआ था राशन कार्ड की बात हुई थी, कूपन दिए गए कई कई साल से राशन दिए वो रिजेक्ट हो गए, नए फार्म जाते हैं तो कंप्यूटर दिखाता है और पुराने फार्म रिजेक्ट है, तो क्या लगता है राशन कार्ड लोग बन गए? देखिए जी सबसे पहली बात तो ये कि राशन कार्ड की बात आपने पूछ ली, मैं आपको बता देना चाहता हूँ दिल्ली सरकार के अंदर जनता की लंबी लंबी तो राशन की दुकान पे जो माँ बहन बेटियाँ हैं रात को जो है 5 बजे से 6 बजे से और शाम को 5-6 बजे तक जो है वे लंबी कतार में खड़ी होती है, कम से कम 200 आदमियों की कतार मैंने खुद देखी है, और नहीं तो मैं आपको जो वीडियो बनवा करके ला के दे सकता हूँ राशन की दुकान पे, जबकि ये होना चाहिए कि 4 या 6 आदमी जो है सिर्फ जो है राशन की दुकान में लाइन में लगे हो तो कोई दिक्कत आ रही नहीं है, लेकिन 150-200 आदमियों की राशन की दुकान पर लोग खड़े रहते हैं और जो क्या कहना दिल्ली सरकार सोई पड़ी है, वो दिल्ली सरकार के जो कर्मचारी हैं और जो दिल्ली सरकार के अफसर हैं वे धड़ाधड़ जो है क्या नाम है अपना पैसा अपनी जेब गर्म करते हैं, लाइन चाहे जितनी मर्जी लंबी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। और ये जो क्या नाम राशन कार्ड की बात है, बताओ कितने राशन कार्ड बने? एक राशन कार्ड नहीं बना के दे रहे, जो लोग राशन कार्ड में 4-4 दिन 6-6 दिन लगा देते हैं, 10-10 दिन लगा देते हैं, बाद में 6-6 महीने निकल गए राशन कार्ड ने, ये एक राशन कार्ड नहीं बन के दिया। और जो आदमी ऑनलाइन ये फार्म जो भरवा रहे हैं ऑनलाइन फार्म भरने के बाद में अपडेट ही नहीं हो रहे क्योंकि जो रिजेक्ट भी कर दिए गए वो वहाँ पे वो लोड ही नहीं हो पाता, सिस्टम लोड नहीं करता क्योंकि वहाँ से उन्होंने रिजेक्ट करा ही नहीं है, उनका डेटा रिजेक्ट नहीं करा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको